नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश विषय हिंदी कोर और पाठ है उषा। इसके कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो बच्चों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह की रचित कविता जो है उषा, उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले कवि का परिचय जो है वो संक्षेप में आपको मैं बता दूं। कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह जी है और इनका जो जन्म है वह 13 जनवरी सन 1911 को हुआ है। 13 जनवरी सन 1911 तो आप देखेंगे, और इनका जन्म जो है वो 1911 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। इनकी प्रकाशित रचनाएं जो है वो इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी आदि। सम्मान जो मिला है कवि को वो साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1993 अहमदाबाद में हुआ। तो बच्चों, ये कवि का जो है वो संक्षिप्त परिचय है और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो उषा कविता है। उषा कविता के अंतर्गत हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे हमने संक्षेप में लिख दिया है, उषा नाम से ही जैसे हमें पता चल जाता है, उषा यानी कि प्रातःकालीन जो सूर्योदय होता है उस काल को उषा काल कहा जाता है। तो यहाँ पर उषा काल जो ये कविता है उसमें क्या वर्णन किया है कवि ने, उसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। बच्चों, हम सभी ऐसे दृश्य देखते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि सबके अंतर में यह क्षमता नहीं होती है कि वह उसे जो उसके मानस पटल में चल रहा है या जो दृश्य उसने देखा है उसे वो शब्दों के माध्यम से उकेर सके। जो ऐसा कर लेता है वही वास्तव में कवि और लेखक की श्रेणी में आता है। अन्यथा प्रातःकालीन सूर्योदय तो हम प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि कवि ने उस प्रातःकालीन सूर्योदय का जो उषा काल है उसका वर्णन इस तरह से किया है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रकृति का शब्द चित्र जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कविता भी उसी का उदाहरण है। बच्चों, इसमें एक चित्र दिया है, हमने ये दिखाया आपको कि आप देखेंगे, ये आप देखेंगे कि प्रातःकालीन सूर्य का जो दृश्य है वो कैसा है। सूर्य निकल रहा है, आसमान जो है वो कैसा है, बिल्कुल नीला है, और इस तरह से नीले आसमान में निकलता हुआ ये जो सूरज है वह अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। और आप देखेंगे हल्की हल्की लालिमा जो है वो धरा पर पड़ रही है। तो दृश्य के माध्यम से, एक दृश्य है यह, और उसके माध्यम से भी आप इस कविता को आसानी से समझ सकते हैं। आगे आप देखेंगे बच्चों, उषा कविता, जो उषा कविता है वो आपके समक्ष है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, अभी बच्चों हमने आपको जो है वो चित्र दिखाया, पिछले स्लाइड में आपको चित्र दिखाया कि जो प्रातःकालीन दृश्य है वो कैसा होता है, आसमान कैसा होता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, जो प्रातःकालीन नभ था, जो प्रातःकालीन आसमान था, इसमें कवि ने प्रातःकालीन वर्णन किया है। तो उसमें प्रकृति में किस तरह की स्थिति है उसका यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। तो प्रातःकालीन जो उषा काल है उस समय आसमान कैसा है, आसमान बिल्कुल नीले रंग का है और नीले रंग के शंख जैसा है। तो यहाँ पर शंख जो है वो शुचिता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। और यहाँ पे बच्चों, साथ के साथ आप ये समझते चलिए कि यहाँ पर
उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। भोर का नभ, भोर का जो नभ है वो कैसा है, बहुत नीला है और किसके समान है, नीले शंख के समान है। तो कवि ने यहाँ पर ये बताया। उसके बाद अगली जो पंक्ति है, राख से लीपा हुआ चौका। यहाँ पर बच्चों हम जो हमारी ग्रामीण संस्कृति है, आज शहरीकरण आधुनिकरण में जब हम जीवन शैली अपनी बिता रहे हैं, तो शायद यह राख से लीपा हुआ चौका हमें आपको देखने को न मिले। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण संस्कृति है, या कह सकते हैं कि जो पहले जब हमारे यहाँ गैस सिलेंडर नहीं थे, जब हम खाना बनाने के लिए चूल्हे का प्रयोग करते थे और लकड़ियों और उपलों से मिट्टी के बने चूल्हों पर भोजन पकाते थे, तो उस चूल्हे को जैसे आज हम गैस स्टोव साफ करते हैं, उसी तरह से जब उस पर हम खाना रात्रि में बना लेते थे, तो उसके बाद सुबह सुबह चूंकि उसमें गर्माहट रहती थी, उसमें भोजन बना रहता था, इसलिए सुबह सुबह प्रातः काल जो है उस चूल्हे को घर की जो गृहिणियां हैं उसको मिट्टी से पानी से लीप देती थी। तो उसका जैसा रंग था वैसा ही यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आप देखेंगे सुबह सुबह उठ करके कि जो आसमान है वह पूरी तरह से खुला नहीं है, तो उसमें नमी होती है थोड़ी, और वो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका है। आसमान कैसा लगता है, राख से लिपे हुए चौके के समान लगता है, और वो भी चौका कैसा, अगर रात को ही चौका लिप दिया तो सुबह वो नमी नहीं रहेगी, वो तो सूख जाएगा, मिट्टी का रंग आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में विशेष रूप से दिखाया गया है कि वहां पे जो आसमान की जो यहाँ पे देखेंगे तुलना की जा रही है वह कैसा है, अभी अभी जैसे लिपा गया चूल्हा होता है वैसी ही नमी अभी आसमान में भी दिखाई दे रही है। अगली पंक्ति में आप देखेंगे आसमान का वर्णन है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बच्चों यहाँ पे ये दिखाया गया है, सिल का मतलब होता है सिल, ये जो काली सिल है ये आज मिक्सी का प्रयोग हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का, लेकिन अभी भी घरों में सिलबट्टा प्रयोग होता है, और पहले के समय में मिक्सी का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता था, फिर चक्की चलती थी, वहां लोग मसाले और अनाज अपने पिसवाते थे, वाच भी चलती है, लेकिन सिल का प्रयोग हर समय हर घर में ये सिल आपको मिलेगी। यह मसाला पीसने के काम आती है, उस पे जो है घर की गृहिणियां उस पे मसाला पीसती थी, कोई भी मसाला किसी भी तरह की जो चीज थी पीसने वाली वो सिल पर पीसी जाती थी। तो ये आप देखेंगे कि बहुत काली सिल, कैसा लग रहा है आसमान, ऐसा लग रहा है कि बहुत काली सिल पर जरा सा लाल केसर उस पे धूल दिया गया हो। सिल कैसी है, सिल काली है, और उस काली सिल पे ऐसा लग रहा है कि जरा सा केसर जो है उस पे रख करके और उस पे धूल दिया गया। तो ये प्रातः कालीन जो है वो सूर्य का वर्णन है कि सूर्य जब सुबह प्रातः काल उषा काल में निकलता है तो उसका रंग जो है वो बहुत अधिक चटकीला नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी सहसवा अवस्था में होता है, इसलिए उसकी जो लालिमा होती है वह किसके समान होती है, वह केसर के समान होती है। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि जो आसमान है वो कैसा है, काली सील के समान लग रहा है, और निकलता हुआ जो सूरज है वह ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पे किसी ने लाल केसर मल दी। स्लेट पर या खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट सबके बचपन का हिस्सा रहा है, सभी बच्चों आप ये जानते हैं कि बचपन में हम स्लेट पे चौक से लिखते थे, और एक दो तरह की चौक हुआ करते हैं, एक तो सफेद जो हम प्रयोग करते हैं अभी भी बोर्ड पे प्रयोग करते हैं, और एक खड़िया चाक जो है, खड़िया मिट्टी जो होती थी वो हल्की लाल रंग की हुआ करती है, उससे लिखते समय जो है वैसा ही लग रहा है जैसा ऊपर अभी यहाँ पर तुलना की गई है। तो कभी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर
किसी ने खड़िया चाक मल दी हो। तो इस ये सारी जो स्थितियां हैं वो प्रातःकालीन उषा का, प्रातःकालीन होने वाले सूर्योदय का वर्णन ही दर्शा रही। देखिये बच्चों, ये मैंने आपके समक्ष एक चित्र उपस्थित किया है जो ग्रामीण चित्र है। आप देखेंगे कि इस पे ये चूल्हा है मिट्टी का और इसमें आग लगी हुई है ये, और यहाँ गृहिणी जो है बैठ करके वो क्या कर रही है, चकले पे रोटी बना रही है तवे पे। तो इस तरह से जो है पूरा एक जो किचन है, जो रसोई घर है गृहिणी का ग्रामीण अंचल का, वो इसी तरह से हुआ करता था। दो चूल्हे हैं, एक पे दाल चावल बन रहा है, दूसरे पे रोटी बन रही है। तो ये एक दृश्य आपके सामने मैंने रख दिया है, जिससे ग्रामीण चित्र जो है वो आपके मानसिक पटल पे अच्छी तरह से उकर आएगा उसके लिए। आगे देखिए अगली जो कविता है, कविता का शेष अंश जो है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। अब बच्चों यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है नील जल में, जो जल है वो कैसा है, नीले रंग का जल है, और उसमें जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की का जो प्रकाश है जब वह पानी पे पड़ता है तो वह प्रकाश कैसा होता है, झिलमिल, चूंकि सूर्य सुबह निकलता है तो वो थोड़ा झिलमिलाता हुआ सा होता है। तो ऐसा लग रहा है, कभी ने उसका वर्णन किया है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार है, गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है आपके। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। प्रातःकालीन निकलने वाला सूर्य ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले रंग के जल में कोई गौर वर्ण की कोई सुंदर स्त्री की शरीर जो है वह देह माने शरीर झिलमिला रही हो। तो आगे जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि जैसे जैसे सूर्य निकलने लगता है, अपने पूर्ण रूप में आने लगता है, वैसे वैसे सूर्योदय जो है वो और तीव्रता से होने लगता है। सूर्य की लालिमा धरा पर फैल जाती है और जो अंधकार होता है वो पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जादू टूटता है इस उषा का, और यह प्रातःकालीन जो उषा है वह समय पूर्ण होता है और अब क्या होता है, वह सूर्योदय पूरी तरह से हो जाता है। तो बच्चों ये कविता थी इस तरह से। देखिए एक चित्र मैंने यहाँ पर फिर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे ये सूर्य निकल रहा है, सूर्य की जो लालिमा है वो ये नीचे जल पर जो है वो कैसी है, वो पड़ रही है, जो सूर्य की आभा है वो पड़ रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुंदर स्त्री, गौर वर्ण की स्त्री जो है वो उसमें उसकी शरीर झिलमिला रही है। बच्चों ये कविता हमने पढ़ ली, और बोर्ड की परीक्षाओं में आपको काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काव्य सौंदर्य में आप भाषा, रस, छंद, अलंकार और उसमें क्या वर्णन किया गया है, इसका हम उल्लेख करते हैं। यहाँ कुछ उल्लेख मैंने किया हुआ है, जैसे वैसे तो ये पैराग्राफ के अनुसार आता है, अतिरिक्त अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न वो हो जाते हैं। ये मैंने आपको सबका जो है वो एक तरह से ये लिख दिया है कि ये हर पैराग्राफ में आना ही आना है। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिया कि प्रकृति का मनोरम चित्रण। इस कविता में बच्चों आप सभी ने देखा कि इसमें जो वर्णन किया गया है वो किसका है, प्रकृति का है। और कैसा वर्णन है, ऐसा वर्णन नहीं है कि जो निरस्तापूर्ण हो, बल्कि कैसा है, ऐसा वर्णन है जो हमारे मन को हर लेता है, जो हमें अत्यंत अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वैसे तो बच्चों अगर देखा जाए ये तो ये कोई ऐसा अद्भुत नहीं है जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। यदि प्रातःकाल हम उठते हैं तो हमें सूर्य की जो सूर्योदय है उसका इस तरह का जो दृश्य है अपनी खुली आंखों के सामने प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। तो अधिकांशतः आप सभी लोग प्रातःकाल उठते हैं और फिर ऐसे दृश्य को देखते हैं।
संघ जैसे में उपमा अलंकार है और सहज व सरल शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश तथा सजीव चित्रण एवं नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। अधिकांशतः आप देखते हैं बच्चों की जो कवि हैं वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते जो बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उपमान प्रयोग तो किया जाता है, देशज और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन जो यहाँ उपमान दिए गए हैं वो कैसे हैं? प्रकृति के उपमान और वैसे तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो उपमान दिए गए हैं वो थोड़ा अलग हट करके हैं। जैसे सुबह जो आकाश है उसको कैसा दिखाया गया है? गीले चूल्हे के समान, लिपे हुए गीले चूल्हे के समान यहाँ पर बताया गया है। ये उपमान अपने आप में अनूठा है। दूसरा उदाहरण कवि ने दिया है कि ऐसा लगता है कि स्लेट पर किसी ने खड़िया चाक मल दी हो। अगला उदाहरण ऐसा लगता ऐसा है जो जिसमें कवि ने आपने पढ़ा ऐसे पिछली कविता में पढ़ लिया जो स्लाइड थी कि उसमें आप देखेंगे कि नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। जैसे सील, सील जो है वो कैसी है? काले रंग की है और उस पर ऐसा लगता है, निकलने वाला सूर्य ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी ने केसर मल दिया हो। तो ये सारे उपमान जो हैं वो अपने आप में सजीव हैं और नए हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि गौर झिलमिल देन जो है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और भाषा जो है वो सरल सहज खड़ी हिंदी बोली है और इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग भी किया गया है। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा पाठ था और आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसकी सर्वप्रसंग व्याख्या आप सभी अपनी कॉपी में करेंगे और इससे अतिरिक्त प्रश्न हर पैराग्राफ से, पैराग्राफ बहुत बड़ी कविता तो ये है नहीं, तो इस पूरी कविता से 5 अतिरिक्त प्रश्न लघु प्रश्न जो है वो आप बना लेंगे और पाठ की जब व्याख्या कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप इस पाठ को कर पाएंगे और अच्छे अंक इस पाठ से ला पाएंगे। धन्यवाद।